नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को महापर्व छठ पूजा के खरना की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। खरना का प्रसाद खाकर आज से 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे छठ व्रती। ITBP ने 24 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। स्कूलों में 2024-25 से लागू होंगे नए पाठ्यक्रम। छठ महापर्व को लेकर बिहार पुलिस की तैयारी पूरी। पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर की टीम इंडिया पर टिप्पणी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। खरना का प्रसाद खाकर आज से 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी छठ व्रती। 4 दिवसीय लोक आस्था के इस महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। नहाए खाए के साथ शुरू हुए इस पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास यानी अक्टूबर नवम्बर में पड़ने वाली छठ का अधिक महत्व होता है। वहीं आज खरना के दिन व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ की खीर खाकर पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी, जो चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने के साथ समाप्त होगा। छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ITBP ने 24 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट पोस्ट के कुल मिलाकर 24 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.itbpolice.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शरद कुमार की। 1 मार्च 1992 को मुजफ्फरपुर में जन्मे शरद कुमार एक भारतीय पैरा हाई जंपर हैं। उन्होंने 2010 एशियाई पैरा खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया। 2014 के एशियाई पैरा खेलों में उन्होंने 12 साल के एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता और विश्व में नंबर 1 को पुनः प्राप्त किया। शरद ने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 6ठे स्थान पर रहते हुए भाग लिया। उन्होंने 2017 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्हें पैरा चैंपियंस प्रोग्राम के माध्यम से गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाता है। स्कूलों में 2024-25 से लागू होंगे नए पाठ्यक्रम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के संपूर्ण विकास पर फोकस किया जाएगा। नए स्कूली पाठ्यक्रम को लागू करने की तैयारी की जा रही है, जो कि वर्ष 2024-25 से लागू होंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि नए पाठ्यक्रम में केंद्र सरकार ने बच्चों पर किताबों और पढ़ाई का बोझ कम करने का फैसला किया है, जो कि इस नई शिक्षा नीति में शामिल है। इससे स्कूलों में बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी और शारीरिक गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद या फिर संपूर्ण विकास के लिए जरूरी दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसका लाभ राज्य के सभी 72,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1,42,00,000 बच्चों को मिलेगा। छठ के बाद सोलर लाइट योजना पर शुरू होगा काम। बिहार के ग्रामीण इलाकों को रोशन करने का काम छठ के बाद शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि छठ पूजा के बाद गांव में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम शुरू होगा। इसके लिए किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है, इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि संबंधित एजेंसी से इकरारनामा की प्रक्रिया तेज करें, ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ निश्चय पार्ट 2 में भी इसका प्रावधान किया गया है। बिजली के पोल पर इस लाइट को स्थापित करना है। राज्य की सभी 8,067 पंचायतों में लाइट लगनी है। 2 वर्षों में पूरे राज्य में यह कार्य पूरा करना है। छठ महापर्व को लेकर बिहार पुलिस की तैयारी पूरी। आज लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन है। अगले दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर पहुंचेंगे। इससे पहले बिहार पुलिस ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में 36 विशेष सशस्त्र बल की कंपनियां अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं। होमगार्ड के 3,000 जवानों की तैनाती की गई है। घुड़सवार दस्ते की 5 टुकड़ियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसे अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। 4,165 हवलदार और सिपाही प्रतिनियुक्ति की गई है।
155 दारोगा और ASI की प्रतिनियुक्ति की गई है। 18 पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। ट्रेनिंग करने 2100 दारोगा और ASI की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद सूर्य मंदिर के देव में 6 पुलिस उपाधीक्षक और पटना में 30 DSP लगाए गए हैं। BPSC ने इस परीक्षा के लिए की संभावित तिथि जारी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। BPSC ने इस परीक्षा की संभावित तिथि 12 नवंबर 2022 और 13 नवंबर 2022 रखी है। BPSC ने इसके आलोक में पत्र भी जारी कर दिया है और कहा है कि अपरिहार्य तौर पर तिथि में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए BPSC के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी निर्धारित की गई थी। ईशान किशन ने कहा, बिहारी युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज बिहार के ईशान किशन ने कहा कि बिहारी युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस यहां के युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हाल ही में राजधानी पटना स्थित AN कॉलेज पहुंचे भारतीय टीम के युवा क्रिकेटर ईशान किशन ने यहाँ खेल से संबंधित अपनी कई जानकारियों को साझा किया और कहा कि बिहार में क्रिकेट से लेकर हर गेम्स में एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, बस इन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से अच्छे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। दरअसल ईशान किशन AN कॉलेज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां कॉलेज प्रबंधन की ओर से युवा खिलाड़ी को सम्मान दिया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर SP शाही ने कहा कि बिहार और विशेषकर पटना के निवासी होने के कारण ईशान किशन के आने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने की प्रेरणा मिलती है। ADG की सलाह, फोन करने वाले के बारे में तसल्ली कर ले तभी जानकारी साझा करें। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। साइबर अपराध के शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि बड़े अधिकारी तक इससे अछूते नहीं हैं। पूर्व सचिव के साथ हुए साइबर फ्रॉड और DGP के नाम पर ठगी के प्रयास के बाद बिहार पुलिस ने इसको लेकर लोगों को सचेत किया है। ADG मुख्यालय JS गंगवार ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि साइबर अपराध दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोगों को फोन या अन्य माध्यमों पर किसी के साथ सूचना साझा करने से पहले पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कौन शख्स उनसे जानकारी मांग रहा है। देवार्क सूर्य मंदिर इस वजह से है बेहद खास। देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध यह बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख ना होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्पकला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6वीं से 8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियों इसे त्रेता युगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। परंपरागत रूप से इसे हिंदू मिथकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। छठ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। बिजली के सभी फीडर में मार्च तक लग जाएंगे मीटर। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए अब लोगों के घरों के अलावा ट्रांसफार्मर और फीडर में भी मीटर लगाए जाएंगे। बिजली कंपनी ने मार्च 2023 तक सभी 11 KV फीडर में मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं राज्य के 5 लाख से अधिक ट्रांसफार्मर में दिसंबर 2023 तक मीटर लग जाएंगे। चोरी रुकने पर बिजली और सस्ती होगी, जिसका लाभ आम उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। वहीं मीटर लगने से बिजली खपत का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। इसके आधार पर कंपनी बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी कर सकेगी। वहीं 80% से अधिक 33 केवी के फीडरों में मीटर लगा दिया गया है। छठ पर्व के दौरान मौसम रहेगा साफ। बिहार के मौसम में अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में छठ महापर्व के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में हल्के कोहरे होने की आशंका है। वहीं 29, 30 और 31 अक्टूबर को मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की थोड़ी बहुत संभावना भी दिख रही है। अगर आज के तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही 30 को न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम के समय शहरी इलाकों की अपेक्षा सिहरन ज़्यादा महसूस होगी। बदलते मौसम में तबीयत खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस दौरान आप अपने सेहत का भी खास ख्याल रखें।
इस योजना के तहत छात्रों को मिलता है राशन सामान और 1,000 रुपये। बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की मदद के लिए विशेष योजना चला रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को सरकार हर महीने राशन सामान और 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र और छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक विभाग और बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से कर रहा है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की वेबसाइट या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हालांकि इस योजना के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी स्कूल और हॉस्टल से छात्रों की सूची प्राप्त करके छात्रों को सुविधाएं और वजीफा उपलब्ध करवाते हैं। शारदा सिन्हा ने कहा, छठ गीतों के जरिए हर घाट पर देती हूं अर्घ। लोकगीतों के मशहूर गायिका शारदा सिन्हा के छठ के गीत आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजती है और गूंज रही है। इस दौरान जब तक शारदा सिन्हा के छठ के गीत कानों तक ना पड़े कुछ अधूरा सा लगता है। इस बीच शारदा सिन्हा का भी जवाब सुनने को मिला है। उन्होंने अपने गीतों के महत्व को बताया है। शारदा सिन्हा बताती हैं कि छठ के बरतिया गीत हमने उन युवाओं को संदेश देते हुए गाया है। ये गीत उन मॉडर्न युवाओं को समर्पित है जिन्हें अपनी परंपराओं के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन ऐसे युवा जब घर आते हैं और अपनी माँ को छठ नहीं कर सकने की वजह जानते हैं तो खुद ही व्रत करने लग जाते हैं। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा ने ये सब कुछ अपने नए गीत के बारे में कहा है जो हाल ही में छठ से पहले रिलीज हुई है। शारदा सिन्हा कहती हैं कि छठ गीतों के जरिए हर घाट पर वो अर्घ देती हैं। छठ के गीत तो और भी बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने गाए हैं लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पर श्रोताओं की कुछ विशेष कृपा है। बिना जमीन खोदे आईआईटी कानपुर की मदद से बिहार की ऐतिहासिक धरोहर का लगेगा पता। बिहार के बांका जिले के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता लगाने में अब आईआईटी कानपुर मदद करेगी। दरअसल बांका जिले के चांदन नदी के आसपास के क्षेत्रों के गर्भ में दबे पुरातात्विक अवशेष की खोज जारी रही है। इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अवशेष की खोज के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी GPR से सर्वे और मैपिंग करवाया जा रहा है। इसमें आईआईटी कानपुर की टीम भी मदद करेगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने इसके लिए IIT से समझौता किया है। सर्वाधिक फोकस बांका जिले के भदरिया गांव के चांदन नदी के फैलाव वाले क्षेत्र पर है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वे में पुरातात्विक महत्व के साक्ष्य मिले हैं। 160 प्रखंडों में 100% घरों में नल जल उपलब्ध होने का दावा। बिहार सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि बिहार के हर घर नल का जल की सुविधा पहुंचाने वाले प्रखंडों की संख्या 160 हो गई है। 4 माह पहले ऐसे प्रखंडों की संख्या 140 थी। इस तरह नए प्रखंड इस दायरे में आ गए हैं। वहीं राज्य के पंचायतों और गाँवों की संख्या भी बढ़ गई है जहाँ के 100% घरों में नल जल है। दरअसल 27 अक्टूबर तक के ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध नल का जल में केंद्रीय जल मिशन के आंकड़े में बताया गया है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 96% घरों में नल जल की सुविधा है जहां 160 प्रखंडों में 100% घरों में नल जल उपलब्ध किया जा रहा है। पिछले 4 माह में हुई वृद्धि देखें तो बिहार हर घर नल का जल सुविधा प्राप्त गाँवों की संख्या 33,131 से बढ़कर 34,321 पर पहुंच गई है। गोपालगंज उपचुनाव में तेजस्वी ने झोंकी ताकत। बिहार में 2 विधानसभा मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होना है जिसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है क्योंकि छठ पूजा के समापन के साथ ही चुनाव प्रचार का भी समापन हो जाएगा। 1 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म होगा। वहीं 3 नवंबर को इसके लिए मतदान होना है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर RJD की जीत का दावा किया है। वहीं गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से मोहन गुप्ता चुनावी मैदान में है। इस सीट पर BJP का कब्जा माना जाता है। गोपालगंज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला भी है। लिहाजा राजद की यह कोशिश है कि इस सीट पर जीत दर्ज की जाए। बीते दिन तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गोपालगंज में चुनावी सभा की। दोनों ने BJP के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पद यात्रा पर हैं। वे जनसुराज पद यात्रा के 27वें दिन शुक्रवार को लौरिया प्रखंड के बघी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने पद यात्रा का अब तक का अनुभव साझा किया और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शौचालय के निर्माण के नाम पर बहुत बड़ा घपला हुआ है। सिर्फ कागज में ही घर बने हैं। रोज सुबह और शाम लोग लोटा और डिब्बा लेकर घर के शौच करने के लिए निकलते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान की ऐसी तैसी हो गई है। ग्रामीण सड़कों की बात कौन करे, शहर से जुड़ने वाले सड़कों को पार करने के लिए भी नाक पर रुमाल और गमछा रखना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने बताया कि पदयात्रा के क्रम में वे हर दिन 15 से 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। जो समस्या लोग बता रहे हैं और दिख रहा है उसका संकलन करते जा रहे हैं। इसी संकलन के आधार पर पंचायत स्तर पर समस्याओं और उसके समाधान पर ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। यमुना में झाग पर शुरू हुई सियासत। छठ पर्व का समय है और दिल्ली की यमुना नदी पर झाग की चादर बिछी हुई है। दिल्ली सरकार ने इस बार राजधानी में 1100 जगहों पर धूमधाम से छठ मनाने का ऐलान किया था, लेकिन इस बार भी यमुना नदी में सफ़ेद झाग की चादर बिछी हुई है। दूसरी ओर इस बार भी यमुना में प्रदूषण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दिन कहा था कि केजरीवाल ने 2013 में दावा किया था कि वह यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन इसमें आज भी झाग तैर रहा है। मनोज तिवारी ने कहा कि आज जब भाजपा नेता कालिंदी घाट पहुंचे तो वहां झाग को छिपाने के लिए जहरीली रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। भाजपा नेताओं को देखते ही ये लोग रसायन छोड़कर वहां से भाग गए। पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर की टीम इंडिया पर टिप्पणी। जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है, जिसका गम ना पाकिस्तानी खिलाड़ी बचा पा रहा है ना ही उनके पूर्व क्रिकेटर। पाकिस्तान की हार से बौखलाए पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय टीम पर टिप्पणी कर दी है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा कि भारत भी सेमीफाइनल खेल वापस लौट आएगा। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान कोच टीम मैनेजमेंट पर सवाल किए हैं। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा कि मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान इस हफ्ते वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी, वो भी सेमीफाइनल खेलकर वापस आ जाएगी, वो भी कोई 30 मार खा नहीं है। मालूम हो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 130 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना पाए और उसे एक विकेट से हार मिली। लालू यादव ने तेजस्वी से जनता के लिए पहुंचवाया खास संदेश। गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह जानकारी दी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नवंबर में फिर सिंगापुर जाएंगे, वहां उनका ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने गोपालगंज की जनता को धन्यवाद दिया है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी हमला किया है। महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में सदर प्रखंड के जादूपुर स्थित राज रतन शाही उच्च विद्यालय में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था तब महंगाई डायन लगती थी, अब 1200 रुपये में मिल रहा है तो भाजपाइयों को महंगाई भौजाई लग रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। बिहार उपचुनाव को लेकर राजद जदयू पर जमकर बरसे विजय कुमार सिन्हा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव ने गांधी जी के सिद्धांत के नाम पर राजनीति करने वाले तथा उसकी दुहाई देने वाले का पोल खोल कर रख दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वालों ने ही मोहन गुप्ता शराब व्यवसायी को गोपालगंज में उपचुनाव में टिकट दिया है। वहीं मोकामा विधानसभा उपचुनाव में आपराधिक मामले में दोषी एवं बिहार विधानसभा की सदस्यता खो चुके बाहुबली की पत्नी को टिकट दिया है। विडंबना यह है कि जिस जदयू ने उनकी सदस्यता खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है अब वे इनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म 1985 में हुआ। पहली लोकसभा के सदस्य सैयद मोहम्मद अहमद काजमी का निधन 1959 में हुआ था। समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय का निधन 1988 में हुआ था। दिल्ली में दीपावली के 2 दिन पहले व्यस्त इलाकों में 2005 को आए सिलसिलेवार बम धमाकों में 62 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में 1999 को विध्वंसकारी समुद्री तूफान आया। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई।
वायरल खबर में आज बात होगी रेलवे परीक्षा फाइल शुल्क के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे रेलवे द्वारा परीक्षा शुल्क के तौर पर लिए जा रहे 3800 रुपये के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कथित तौर पर रेल मंत्रालय द्वारा क्लर्क के पद के लिए जारी एक ज्वाइनिंग लेटर प्राप्तकर्ता को परीक्षा फाइल शुल्क के रूप में 3880 यानी 3880 रुपये जमा करने के लिए कह रहा है। PIB ने आगे लिखा कि यह लेटर फेक है, रेलवे ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है। व्हाट्सएप में जल्द आएगा ये मजेदार फीचर। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो डेस्कटॉप ऐप में ग्रुप चैट में मेंबर्स की प्रोफाइल पिक्चर दिखाएगा। यह फीचर विकास के अधीन है और इसकी रिलीज के बारे में अभी पता नहीं चला है। इस साल की शुरुआत में व्हाट्सएप द्वारा आईफोन्स के लिए भी इसी फीचर का परीक्षण करने की सूचना मिली थी। WA Beta Info की एक पोस्ट के अनुसार व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप बीटा टेस्टर्स को जल्द ही एक फीचर मिलेगा जो ग्रुप चैट में मेंबर्स की प्रोफाइल पिक्चर दिखाया। ग्रुप में भेजे जाने वाले हर संदेश के बगल में प्रोफाइल पिक्चर दिखाया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मंतोष कुमार, रवि मोहन वर्मा, रोहित ठाकुर, राजकुमार प्रसाद, रविंद्र पासवान, गोपाल भगत, भरत प्रसाद, शंकर मुखिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या 160 प्रखंडों में 100% घरों में नल जल उपलब्ध होने के सरकार के दावे से आप भी सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।